रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नवरात्रि पर खासतौर से नगर निगम की बड़ी पहल हुई है। आज सभी महिलाओं को मुफ्त मिलेंगी बस सुविधाएं। महापौर एजाज देवर का बड़ा ऐलान है कि आज महिलाओं से नहीं लिया जाएगा किराया। शहर के किसी भी स्थान पर मिलेंगी बस सुविधाएं। 6 अलग अलग जगहों पर आज 15 बसें चलेंगी। माता कौशल्या धाम के लिए भी बस चलेंगी। आज से सिटी बसों का संचालन जो है वो शुरू हो रहा है। पहले चरण में 15 बसें शुरू हो चुकी हैं और दूसरे चरण में 30 और बसें चलने वाली। 3 चरणों में चल रही सभी बसें और जल्दी 6 इलेक्ट्रिक बस भी चलेंगी। तो 6 अलग अलग जगहों पर आज 15 बसें जो है वो चलेंगी। मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, जिस तरह से बात करें, क्या कुछ सुविधाएं आज मिलने वाली है? नवरात्रि का आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा का विधान, और ऐसे में महिलाओं को बड़ी राहत हम कह सकते हैं कि आज मिलने जा रही है, जब निःशुल्क बसें। कहां से कहां तक चलेंगी ये रूट? देखिए श्वेता, बिल्कुल आज से 2.5 साल के बाद जो है सिटी बसें एक बार फिर रायपुर की सड़कों पर दिखेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो करने के लिए, रायपुर शहर की बात करें तो 66 के करीब जो है कुल यहाँ पर उनकी संख्या बताई जा रही है। और आज पहले दिन 30 सिटी बसें का जो चालन है वो शुरू किया जाएगा। महापौर एजाज ढेबर, रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भुरे और तमाम जो निगम के अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अब से कुछ ही देर में शुभारंभ किया जाएगा। आज एक और खास बात बता दें, नवरात्रि के दिन आज जो जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए जो सिटी बस की सेवा है वो निःशुल्क रखी गई है। और अब से कुछ ही देर में जो ये सिटी बसें वो शहर के लिए जो यहाँ पर रवाना की जाएगी। बात करें तो यहाँ पर उजला के लिए सबसे ज्यादा सिटी बसें यहाँ पर लगाई गई हैं। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में जो सिटी बसें वो यहाँ से चालन जो इनका शुरू किया जाएगा। पहले चरण में 30 सिटी बसें और आने वाले 3 चरणों में 15-15 करके जो है वो सिटी बसों का जो चालन है वो शुरू किया जाना है। तो बिल्कुल बता दें आपको, आज से सिटी बसों का संचालन शुरू हो रहा, वो भी निःशुल्क जो है वो महिलाएं इस पर सफर कर पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, तमाम जानकारी।